राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राजधानी भोपाल में रन फॉर स्वच्छ भोपाल मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन का शुभारंभ प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया। इसके बाद सैकड़ों युवाओं ने दौड़ लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। गांधी जयंती पर राजधानी भोपाल में आयोजित रन फॉर स्वच्छ भोपाल मैराथन का शुभारंभ प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुब्बारे छोड़कर किया, जिसके बाद स्कूल के बच्चों ने 3 किलोमीटर की दौड़ लगाई। इस दौरान महापौर मालती राय सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर इंदौर के नंबर 1 और भोपाल भी अच्छे स्थान पर आने पर शहरवासियों को शुभकामनाएं दी। जो आह्वान किया मध्य प्रदेश ने वो स्वीकार किया। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में लगातार मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में अव्वल आ रहा है। इंदौर लगातार 6 वर्षों से नंबर 1 है, भोपाल भी बहुत अच्छे स्थान पर है। ये निश्चित रूप से आगे आने वाले हिंदुस्तान में हम किस संकल्प के साथ इस हिंदुस्तान को बना रहे हैं ये परिलक्षित करता है। मैं मध्य प्रदेश को, इंदौर को, भोपाल को, सभी को बहुत बधाई देता हूँ। आज भारतीय मजदूर संघ की BHEL इकाई द्वारा हमारे श्रमिक नेता विजय कठेर जी के नेतृत्व में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर भोपाल रन का आयोजन किया गया। गांधी जी ने और शास्त्री जी ने इस देश की एकता का सूत्र तो हमें दिया ही, आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। उसके साथ साथ उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान में हम सब इस देश के लिए क्या कुछ करें इसका भी संकल्प दिलाया। स्वच्छता उनका एक बड़ा आयाम था। आज ये भोपाल रन मिनी मैराथन इसी संकल्प के साथ निकाली जा रही है कि हम सब भोपाल को, मध्य प्रदेश को और देश को स्वच्छ रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे और महात्मा गांधी के सपने, लाल बहादुर शास्त्री जी के सपने को साकार करेंगे। हम सब मिलकर एक शक्तिशाली, एक वैभवशाली हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे।